الله أكبر الله कौन 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 सा कौन लग रहा है मस्जिद में करंट क्या भाई मसल भाई आप तो अंदर चले गए मुझे करण लग रहा है आपने शायद कोई बड़ा गुनाह किया इस वजह से अल्लाह आपसे नाराज है आप अंदर आने की तौफीक नहीं कैसे अभी तो इधर खड़े हैं हाँ भाई मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ कण लग रहा है मुझे मैंने आपको कहा ना बड़ा गुनाह किया आप सोचो आपको याद आ जाएगा आप बड़ा गुनाह किया अल्लाह से तौबा गुनाह किया होगा मैंने तौबा कर लो सर अल्लाह कण लग रहा है भाई 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 रुको जी भाई क्या हुआ मैं अंदर नहीं जा पा रहा नमाज पढ़ने के लिए भाई आपने कोई गुनाह किया होगा बड़ा इसीलिए अल्लाह आपको तौफीक नहीं दे रहा भाई आपको करण नहीं लग रहा है मुझे तो करण लग रहा था जी मुझे नहीं लग रहा आपने कोई गुनाह किया होगा बड़ा इसलिए अल्लाह आपको अंदर आने की तौफीक नहीं दे अपने घर में ठीक है भाई मैंने कोई गुनाह नहीं किया आप अपने रब से अब माफी कर तलब करो अब हाथ जोड़ के आप अपने रब से माफी तलब भाई मैंने कोई गुनाह किया नहीं आपने कोई गुनाह किया होगा आपको अब याद नहीं आप भूल गए होंगे आप अब सोचो सही है जी भाई भाई मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ भाई ये कह रहा है मैं अब अंदर नहीं आ पा रहा हूँ इसने कोई गुनाह किया होगा अभी ये भूल गया आप इसको जानते हो कौन है ये जी हाँ मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ जी कौन है ये बहुत बड़ा सूद खोर है ये लोगों के सूद खाता है अल्लाह पाक का गुनहगार है ये देखो यही तो बात है ना हुजूर पाक की हदीस से जो भी सूद खोर होता है ना वो अपने रब के साथ पहलाने जंग करता है इसीलिए सूद खोर कभी नहीं बनो ठीक है ये बात हमेशा याद रखो आपका रब आपसे नाराज हो गया है अभी आप अपने रब से सच्ची तौबा मांगो अल्लाह आपको वापस माफ कर देगा अल्लाह गफूर रहीम है या अल्लाह मुझे माफ कर दो मैं आइंदा सूद खोरी नहीं करूंगा मैं किसी गरीब का हक नहीं खाऊंगा मुझे माफ कर दो या अल्लाह एक बार माफी दे दो मुझे मैंने जिन लोगों से सूद लिया है मैं उनको वापस कर दूंगा सिर्फ एक बार मुझे माफी दे दो आप गफूर रहीम हो मैं तो अंदर आ गया या अल्लाह आपने मुझे माफ कर दिया या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे माफ़ कर दिया या अल्लाह तू गफूर रहीम है तूने मुझे माफ़ कर दिया।